मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बीच पर पार्टी का सीन दिखाया जाता है वो सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं उसी दौरान बिच उन सभी का फोन लेकर वहीं पर रख देता है जिससे कि वो लोग वीडियो बनाकर कहीं पर भी शेयर ना कर सकें। जिसके बाद उन लोगों को कुछ अजीब सी चीज मिलती है जिसे वो लोग तोड़ देते हैं और वो लोग सारी रात खूब मस्ती करते हैं जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है सुबह सबसे पहले कैली उठती है उसे काफी अजीब सा लग रहा था जिसके बाद धीरे धीरे करके वो सभी लोग उठ जाते हैं लेकिन वही टेबल पर एक मारसा नाम की लड़की सो रही थी जो कि पूरी तरीके से न्यूड होती है वो लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं जिसके बाद वो उठ जाती है उसे जागने के बाद उल्टियाँ होने लगती है तभी कैली की नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है जो की रेत में बैठी होती है और अचानक से ही बोरे धीरे धीरे करके उस चिड़िया को अपने अंदर समा लेती है और ये देख कर कैली बहुत ज्यादा घबरा जाती है वो वहाँ से जाकर मारसा को रेत पर पैर रखने से मना करती है लेकिन मारसा उस बात पर ध्यान नहीं देती वो रेत पर पैर रख देती है जिससे उसके पैर रेत में फंस जाते हैं वो उन्हें निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं और वो डर कर चिल्लाने लगती है और ये सब देख कर वो लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं लेकिन बैंस उसे इस कंडीशन में देख कर उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगता है लेकिन रेत में फंसने की वजह से वो भी गिर जाता है और वो भी चिल्लाने लगता है तभी जोना उसकी मदद करने के लिए कार को स्टार्ट करने लगता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती फिर मेज उसकी तरफ रस्सी फेंकता है कि वो उसे पकड़कर बच सके लेकिन जब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि अब बैंस को रेत धीरे धीरे खा रही थी उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से गल चुका था जिससे उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है और देखते ही देखते वो रेत उसके शरीर को अपने अंदर निगल लेती है वहाँ पर मौजूद सभी लोगो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था की आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं जिसके बाद मैच उन सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है की वैसे तो भले ही मर गया लेकिन हम लोग बचकर यहाँ से निकल जाएंगे जिसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है लेकिन यहाँ पर काफी कोशिशों के बाद भी कार्य स्टार्ट नहीं होती फिर कीली अपने हाथ को रेत के करीब ले जाती है उसे वहाँ पर काफी हलचल सी दिखाई देती है इसके बाद हम गिलबर्ट को देखते हैं जो कि कैन में फंसा होता है वो जगने के बाद उन सभी को आवाज़ देने लगता है कि वो लोग उसे उस कैन में से बाहर निकाल सके लेकिन वो लोग उसे हिलने के लिए मना करते हैं वो लोग उससे कहते हैं की इस रेत में कुछ है अगर तुम इसमें गिर जाओगे तो तुम मारे जाओगे लेकिन उसे उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं होता उसे लगता है वो लोग उससे मजाक कर रहे हैं लेकिन मैच उसे विश्वास दिलाता है वो कहता है कि हम लोगों के पास दो घंटों में मदद आने वाली है इसीलिए उसे थोड़ी देर इंतजार करना है जिससे वो थोड़ी देर के लिए मान जाता है फिर जब कीली फिर वो बताता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी क्योंकि बिना कोई उम्मीद के उसे उस कैन में फंसा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अब कुछ टाइम बीत जाता है अब कीली उन लोगों से पूछती है कि शामी को हम लोगों ने इस रेत में पार्टी की है शाम को तो सब कुछ ठीक ही था लेकिन आज ये रीत पूरी तरीके से बदल गई है जिसके बाद वो लोग ध्यान देते हैं कि पार्टी में मौजूद उनके अलावा सभी लोग मारे जाते हैं और वो लोग इसीलिए बच गए क्योंकि वो लोग के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ये जानकर वो लोग रोने लगते है इधर गिलवाइड को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था जिससे वो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है वो कहता है की मुझे इधर ऐसी बाहर निकालो जिस पर जोना उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है जिससे उसको धूप से कुछ राहत मिल सके जिसके बाद उन लोगों की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी वो अब दो टुकड़ों में दिख रही थी जिसे देखकर उन लोगों को पता चलता है कि वो एक अंडा था जिससे उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि इस अंडे से कोई ना कोई तो चीज निकली है और उसी वजह से रेत के संपर्क में आने वाले लोग मारे जा रहे है इसके बाद कैली उस मॉन्स्टर का आकार जानने के लिए रेत पर कुछ चीज मेकती है तो इस दौरान उन लोगों को पता चलता है की वो काफी बड़ा है वो काफी दूर तक फैला हुआ है तो जोना वहाँ पर जाने के लिए कहता है तो चेंडा उसे मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ आरोप कोई भी नहीं आने वाला क्यूँकी जो बाकी लोग भी गायब है उन्हें कोई भी देखने नहीं आया जिसके बाद जोना स्केट की मदद ऐसी आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है और वो किसी तरह ऐसी उस टेबल तक पहुँच जाता है लेकिन जैसे ही वो उस टेबल पर पैर रखने की कोशिश करता है तो वह स्केटबोर्ड खिसकने लगता है हालांकि वो काफी संभलने की कोशिश करता है लेकिन रेत में से काफी रुए निकलने लगते हैं। वो उसके पेट पर हमला कर देते हैं लेकिन वो किसी तरह से हिम्मत नहीं हारता और वो उस टेबल पर चढ़ जाता है लेकिन तभी उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है जो बुरी तरीके से घायल हो गया था इसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन वो दोबारा से उठकर अपने बैग में सामान चेक करने लगता है और बैग में उसे एक केला मिलता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उस केले को खाता है तो उसे उल्टियाँ होने लगती है लेकिन तभी सबकी नज़र उसके पेट पर पड़ती है जो काफी बुरी तरीके से सड़ रहा था जिससे वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन केली उसका हौसला बढ़ाती है और बैग का सामान सभी को देने के लिए कहती है जिसके बाद वो सभी को एक एक ड्रिंक देता है और जब वो मिर्च को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव पड़ने की वजह से उसके पेट में से ब्लड निकलने लगता है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पर टेबल पर लेट जाता है जिसके बाद उन सभी को अपने अपने मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़े होते हैं जिसे निकालने के लिए नीचे जाना पड़ेगा वो डिग्गी खोलने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती है फिर वो चाबी लेकर चांडा की मदद से उसको खोलने की कोशिश करती है लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरीके से नहीं खुल पाती जिससे चांडा को लगता है कि डोनी डिग्गी नहीं खोल पाएगी और रोनी भी कहती है कि मुझे इसको खोलने के लिए कुछ सहारा चाहिए वो वहाँ पर खड़ी नहीं हो पाएगी जिसके बाद चांडा एक ब्लैंकेट पकड़ा कर उसे उसको खोलने के लिए कहती है जिसमे भी वो नाकामयाब रहती है जिसके बाद कैली उसे कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है लेकिन इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब रह जाती है तभी वहीं पर बीच पेट्रोल का सुपरवाइजर आ जाता है जिसकी गाड़ी की आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है है और वो फिसल जाती है जिसकी वजह से उसकी उंगलियां डिग्गी से चप जाती हैं और वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है इधर कैली मीच उसे गाड़ी से उतरने के लिए रोकते हैं। और सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन लोगों की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता उसे ऐसा लगता है की उन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है जिससे वो उन लोगों के मना करने के बावजूद भी रेत में उतर जाता है वो रेत में चलने लगता है जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी जिसके बाद वो ज्वाइन के पास पहुंचता है और उसके पेट की हालत देख के बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगता है जिसके बाद वो गिलबर्ट को उस कैनवे ऐसी निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता जिसके बाद वो कहता है की मेरी टीम आएगी और तुम्हें निकालेगी इसके बाद वो रोनी की उंगली को डिग्गी है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है वो कहता है की इसकी मदद कोई भी क्यों नहीं कर रहा जिससे कैली उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो वो सुपरवाइजर उसे छोड़कर कैली के पास पहुंच जाता है जहां पर कैली उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके दो दोस्त दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं अब ये जानकर उनकी वो बो डेड बॉडी के बारे में पूछता है जिसके बाद कैली उसे बताती है की इस रेत ने उसकी डेड बॉडी को पूरी तरीके ऐसी खा लिया है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कैली और मिच को नीचे बुलाता है कैली उसे समझाने की कोशिश करती है की उसका वहाँ आना सही नहीं है लेकिन सुपरवाइजर नहीं मानता और वो अपनी गन को निकालने की कोशिश करता है तो उसकी चाबी रेत में गिर जाती है कैली उसको मना करती है रेत में से चाबी उठाने के लिए लेकिन वो नहीं मानता और चाबी उठाने के लिए रेत में हाथ डाल देता है इससे पहले वो चाबी उठा पाता उससे पहले उसके हाथ रेत में फंस चुके थे उसी वक्त कैली उसके हाथ में पेपर स्प्रे देख कर उस पर स्प्रे करने के लिए कहती है और जब वो उस पर स्प्रे करता है और अपने हाथ को वापस निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है इसे देख कर वो चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है तभी कैली उसके पास जाकर उस स्प्रे को उठा लेती है और सुपरवाइजर देखते ही देखते उस रेत में समा जाता है जिसके बाद मिर्च कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे एक टावल चाहिए क्योंकि अभी उसने देखा सुपरवाइजर अपने जूतों की मदद से रेत में चल सकता था अब वो टावर लेने की कोशिश करता है लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वो रेत में गिर जाता है अब धीरे धीरे करके रेत उसको भी बुरी तरीके से खा जाती है यह देख वो सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं लेकिन कैली हिम्मत दिखाती है और वो चेंडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है जिसके बाद वो उसको भी एक रेलिंग देती है और वहीं से कार में कूद पड़ती है वो वहाँ पहुँच एक चेंडा को जोरदार पंच मारती है क्योंकि पिछली रात जोना को ही उसी ने बहकाया था था फिर वो डिग्गी में फंसी रोनी की उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और वो चेंडा की मदद से उस काम में कामयाब हो जाती है इससे उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था जिसके बाद कैली उसके हाथ में कपड़ा बांध देती है जिससे उसके हाथ में से खून कम निकल सके इधर गिलवर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है कैन में फंसे होने की वजह से अब उसके शरीर में से खून भी निकलने लगता है जिससे रेत के टेंटिकल उसके और आकर्षित होने लगते है इधर केली चेंडा की मदद ऐसी रिलिंग को जोना तक पहुँचने के लिए रेत में डालने लगती है और उसकी मदद से चेंडा जोना के पास पहुंच जाती है फिर कैली रोनी को वहां से निकालने के लिए कहती है वो कहती है कि मेरे हाथ से खून निकल रहा है इसीलिए पहले तुम जाओ इसके बाद कैली भी जोना तक पहुंच जाती है इसके बाद रोनी जोना की ओर चलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथ में से खून निकलने लगता है जिसे देखने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो रेत में गिर जाती है और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गिलवर्ट के कैन के पास भी बहुत ज्यादा रुए आ रही जाते हैं क्योंकि गिलबड़ का खून टपक रहा था इधर चेंडा अपने पैरों में टावर लपेट कर सुपरवाइजर की गाड़ी में पहुंच जाती है तो इधर गिलबड़ भी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है तभी गिलबड़ के कैनवे से रुए निकल कर उस पर अटैक कर देते हैं और वो भी बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है इससे हमें यह पता चलता है की वो धीरे धीरे करके मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो रहा है जिसके बाद वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है और कैंडा स्लिप हो जाती है और वो गिनने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है जिससे कैली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जिसके बाद चेंडर रात को बड़ी मुश्किल से जागती है और वो एयर बार्थ टप की से जोना को भी गाड़ी के अंदर बिठा लेती है और तभी कैली गाड़ी के अंदर आती है तो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है जिसके बाद कैली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है तभी उसे गैसोलीन का एक ऑयल कैन मिल जाता है जिसे वो मॉन्स्टर छीन लेता है इसके बाद वो दूसरे कैन को उठाकर रेत में गाड़ी के चारों ओर डालती है और लाइटर की मदद से वहाँ पर आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर में भी आग लग जाती है और वो बुरी तरीके से जलने लगता है और जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तो मॉन्स्टर उस गाड़ी के गेट को खोलने की कोशिश करता है कैली गाड़ी के गेट को बंद कर लेती है और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है और अगली सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है कैली रेत में पैर रखने से बहुत ज्यादा डर रही थी और जब वो रेत में पैर रखती है तो उसे महसूस होता है की मॉन्स्टर अब मारा जा चुका है इसके बाद वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ से चली जाती है इधर हम जोना को देखते हैं जो कि मर चुका है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर समुद्र में है और शहर की ओर बढ़ रहा है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है अगर दोस्तों आप लोगों को यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए